बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने विजिट विंडो के थ्रू रिपोर्ट्स को क्रिएट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम रिपोर्ट्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे, यानी एक रिपोर्ट को क्रिएट करने के बाद आप उस पर क्या क्या चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं। आप उसकी लेआउट को चेंज कर सकते हैं, उसकी फील्ड्स की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, उस पर ग्रुप्स, सॉर्ट और उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स को भी ऐड करवा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि एक रिपोर्ट को बनाने के बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, बल्कि एमएस एक्सेस आपको मॉडिफाई का फीचर भी प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप रिकॉर्ड्स पर, आप रिपोर्ट्स पर मल्टीपल मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। टुडे स्टूडेंट्स, आइए फिर रिपोर्ट को आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इसकी डिटेल देखते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ऑर्डर रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट जनरेट की थी, जो कि हमने विजिट विंडो के थ्रू ओपन की थी, क्रिएट की थी। तो इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके व्यू को चेंज करना होगा। तो दोस्तों, आपको इस होम टैब के अंदर व्यूज के ग्रुप में ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब जब आप इस रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जब भी आप किसी भी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले लेआउट व्यू पर क्लिक करना होगा। उसके जैसे उसका लेआउट व्यू ओपन होगा, तभी आप उस रिपोर्ट को जो है वो मॉडिफाई कर सकेंगे। तो देयर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप एंड सॉर्ट की। अगर आपको याद हो तो इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि हमने विजिट विंडो के थ्रू क्रिएट की थी, इसमें ऑटोमेटिकली विजिट ने हमें प्रोवाइड किया था ऑप्शन ग्रुप एंड सॉर्ट का। लेकिन जब हम कोई टेबल जो है वो डायरेक्ट रिपोर्ट, उसकी डायरेक्ट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये कस्टमर टेबल है, और अब आप क्रिएट के बटन पर जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म्स के ग्रुप में, रिपोर्ट्स के ग्रुप में आप रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको इसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर आपको इसने किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं पूछा कि आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई ग्रुपिंग अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी लेआउट्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं। जबकि विजिट विंडो के थ्रू जब हमने रिपोर्ट क्रिएट की थी तो उसने हमसे ये तमाम चीजें पूछी थी। तो दोस्तों, अब अगर आप इस पर खुद ही से कोई लेआउट अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसमें ग्रुप्स को ऐड करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे। आप सबसे पहले व्यूज के इस ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप लेआउट व्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अब जो ये रिपोर्ट ओपन हुई है, अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप ग्रुप अप्लाई करना चाहते हैं या सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ग्रुप नजर आ रहा है, ग्रुपिंग एंड टोटल्स का। यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है ग्रुप एंड सॉर्ट का। दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन नजर आएंगे आपको आपकी रिपोर्ट पर, एड अ ग्रुप एंड एड अ सॉर्ट। दोस्तों, मैं सबसे पहले एड अ ग्रुप पर क्लिक करूंगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कस्टमर आईडी है इसके अंडर में ये तमाम फील्ड नजर आए मुझे। मैंने कस्टमर आईडी को एज अ ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी 1 है और ये जो इसके अंडर फील्ड थी ये यहाँ पर इसको इसके नीचे आपको नजर आ रही है। इसी तरीके से ये मेन फील्ड है और ये आपको इसकी सब फील्ड या फिर सब रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं, तो ये आपने इस पर ग्रुपिंग अप्लाई कर दी है। इसी तरीके से अगर आप सॉर्टिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एड अ सॉर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस फील्ड को सॉर्ट करना चाहते हैं। मैं कस्टमर नेम को सॉर्ट करना चाहती हूँ, तो ये इसने आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग अप्लाई कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ग्रुप एंड सॉर्टिंग को हटाना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करते जाएंगे। तो पहले इसने आपकी सॉर्टिंग को हटा दिया है, डिसलेक्ट कर दिया है, इसके बाद इसकी ग्रुपिंग को डिसलेक्ट कर दिया है, तो ये आपको पुरानी वाली आपकी रिपोर्ट नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी फील्ड्स की लेंथ को चेंज करना चाहते हैं, जैसे इस रिपोर्ट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको हैश नजर आ रहा है, पाउंड सिंबल नजर आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट की वैल्यू ज्यादा है, जबकि ये जो फील्ड की लेंथ है इसको छोटी प्रोवाइड की गई है, विच मीन्स कि हमें यहाँ पर इस फील्ड की लेंथ को चेंज करना होगा। तो आप सबसे पहले उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है इससे आप इस फील्ड की लेंथ को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपके सामने इस ऑर्डर अमाउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप फील्ड का साइज भी चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं और उसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों,
फील्ड का साइज चेंज करने के अलावा अगर आप अपनी किसी रिपोर्ट के अंदर मौजूद फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी रिपोर्ट के अंदर ऑर्डर आईडी और ऑर्डर अमाउंट तो मौजूद हो लेकिन ऑर्डर डेट मौजूद ना हो, तो इसके लिए आप उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर मौजूद डिलीट की को प्रेस कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये जो रिकॉर्ड है, ये जो आपका फील्ड है, ये यहाँ से इस रिपोर्ट से डिलीट हो गई। लेकिन अगर आप किसी फील्ड को ऐड करवाना चाहते हैं तो आप इस डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन टूल्स का एक आपको ग्रुप नजर आ रहा होगा, इसमें सबसे पहला बटन है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फील्ड लिस्ट का पेन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस कस्टमर के टेबल में, इस ऑर्डर के टेबल में जितनी भी फील्ड्स होंगी वो आपको नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप उस फील्ड, किसी भी फील्ड को अपनी रिपोर्ट के अंदर दोबारा से डालना चाहते हैं, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैं ऑर्डर डेट को डालना चाहती हूँ, तो आप इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी फील्ड जो ऑर्डर डेट है यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी इस तरह से। इसके बाद दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप फील्ड्स को एक रिकॉर्ड में, एक रिपोर्ट में किस तरह से इंसर्ट और डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप फील्ड्स के नाम या फिर आप इनको लेबल्स कहते हैं रिपोर्ट के अंदर, तो अगर आप रिपोर्ट के टाइटल का नेम चेंज करना चाहते हैं, इसकी फील्ड्स की नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो टाइटल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद इसको अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये मॉडिफिकेशन मोड में आ चुका है, इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट का जो भी नाम रखना चाहें, आप, मैं रख देती हूँ ऑर्डर अंडरस्कोर रिपोर्ट रख देती हूँ उसका नाम, तो ये आप इस तरह से चेंज कर देंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका नाम, इसका टाइटल चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप फील्ड्स के नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से डबल क्लिक करके आप इस मॉडिफिकेशन मोड में जाके ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आप फील्ड्स के नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप फील्ड्स के साइज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फील्ड्स पर कोई कलर्स वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिए आपकी रिपोर्ट का मोड जो है वो लेआउट होना चाहिए, उसका व्यू जो है वो लेआउट व्यू होना चाहिए। लेआउट व्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आप तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। ये आपने फील्ड्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आप इसकी जो भी शेप के अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसका कलर रखा है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कस्टमर आईडीज का ये कलर हो गया है। इस तरीके से अगर आप इसकी सब फील्ड्स के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी सब फील्ड्स के कलर्स को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया है, आप कोई लाइट कलर भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहते हैं, उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी इसके ऊपर कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर देंगे। अगर दोस्तों आप इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इस शेप आउटलाइन के जरिए इसकी आउटलाइन को थिक भी बना सकते हैं, इसकी आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आप एक रिपोर्ट के अंदर जो है वो मल्टीपल डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसके अंदर कलर्स को फिल कर सकते हैं, इसके साइज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी फील्ड्स का साइज चेंज करना चाहते हैं, कि इनके फॉन्ट्स का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉन्ट्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इसके जरिए इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसकी साइज, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फॉन्ट के जरिए आप रिपोर्ट के अंदर मौजूद टेक्स्ट पर मल्टीपल ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल फॉर्मेटिंग के जरिए आप इस पर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप, ये तो बात हो गई कि आप फील्ड्स में जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, टेक्स्ट पर रिपोर्ट के क्या क्या काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट के हेडर और फुटर में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इस डिजाइन टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ग्रुप नजर आ रहा है हेडर एंड फुटर का। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिपोर्ट के ऊपर पेज नंबर देखना चाहते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 of 1, तो इसको आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आप इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने पेज को कहाँ पर देखना चाहते हैं, हेडर पर देखना चाहते हैं, बॉटम पर देखना चाहते हैं, सेंटर में देखना चाहते हैं, या फिर लेफ्ट राइट। फॉर्मेट से ये आपको बताएगा कि यहाँ पर आपके करंट पेज की वैल्यू शो होगी। अगर आप इसके पेज n ऑफ m पर क्लिक करते हैं, इट मींस कि ये जो वैल्यू है n, ये है करंट पेज वैल्यू, और m जो है वो ये है टोटल पेज वैल्यू। यानी अगर एक रिपोर्ट में 10 पेजेस हैं और करंटली आप अभी 5 पेज पर मौजूद है, तो ये आपकी रिपोर्ट पर शो करेगा पेज
5 of 10। पोजीशन से मुराद ये है कि आप अपने रिपोर्ट के हेडर यानी टॉप पर जो है वो पेज नंबर देखना चाहते हैं या फिर सबसे नीचे बॉटम पर देखना चाहते हैं। और अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आप सेंटर में पेज नंबर देखना चाहते हैं, राइट पर देखना चाहते हैं, इनसाइड देखना चाहते हैं या आउटसाइड देखना चाहते हैं। ये मैंने सेंटर पर क्लिक कर लिया, बॉटम पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको पेज नंबर जो है अब सेंटर में नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी रिपोर्ट के ऊपर डेट एंड टाइम को शो करवाना चाहते हैं तो आप हेडर एंड फुटर में इस डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इंक्लूड डेट करेंगे तो आपकी डेट शो हो जाएगी, अगर आप टाइम को इंक्लूड करवाएंगे तो ये टाइम शो हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिपोर्ट पर ये डेट और टाइम शो हो तो आप इसको डिसलेक्ट कर देंगे इस तरह से, तो अभी शो नहीं होगा। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम ऑप्शंस आपके इस रिपोर्ट पर भी अप्लाई हो जाएंगे जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों हेडर एंड फुटर के बाद आती है आपके इस पेज की बारी, यानी आप पेज पर क्या क्या चेंजिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप पेज सेटअप के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप पेज का साइज चेंज करना चाहते हैं तो इस साइज के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल, वाइड या नैरो में से कोई भी मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने नैरो किया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो मार्जिन है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप नॉर्मल करेंगे तो इसकी नॉर्मल मार्जिन हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना चाहते हैं या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ज्यादातर जो आपका पेज सेटअप होता है ये प्रिंटिंग के अंदर आपको इसमें चेंजिंग करनी होती है कि आपका पेज किस तरह का है जिस पर आप ये रिपोर्ट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से आप ये तमाम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि आप उसमें मजीद फील्ड्स को ऐड भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं, फील्ड्स में कलर्स वगैरह को फिल कर सकते हैं, फील्ड्स के साइज को चेंज कर सकते हैं, उसमें सॉर्टिंग, ग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ आप हेडर एंड फुटर के अंदर भी मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने ये सीखा कि आप एक रिपोर्ट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम रिपोर्ट्स को प्रिंट करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।